हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज़ द फर्स्ट मदरसा सेटअप इन द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, पहली बार जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कौन सा मदरसा कहाँ पे सेटअप कराया था, तो ये आपका है कैलकटा में पहला मदरसा सेटअप किया गया था। ठीक है ना, 1781 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो होते हैं वो मदरसा जो है सेटअप करते हैं एलिया में, कैलकटा में। और उसके जो पहला जो हेड होता है, नाजिम बोलते हैं हेड को, तो वो जो होता है वो मौलाना मुजुद्दीन होता है। ठीक है, वो जो है आपका अरेबिक, पर्सियन और मुस्लिम लॉज को जो है वहाँ पर पढ़ाया जाता है मदरसे में। और वहाँ से जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, निकलते हैं बाहर, वो जो है इंटरप्रेटर होते हैं ब्रिटिश रूल के। ठीक है, ब्रिटिश रूल में वो हेल्प करते हैं, जैसे धर्म वगैरह का इंटरप्रिटेशन कराना हो, कोई लॉज को कोडिफिकेशन कराना हो, तो वो लोग असिस्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाई, देखिए सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर्स शोड नो इंटरेस्ट इन द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग इन अर्ली फेज ऑफ देयर रूल इन इंडिया। स्टार्टिंग में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। ठीक है, जैसे जैसे वो इंडिया में उनका टाइम बीतता गया, उन्हें जो है एक इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में, हमारे इंडिया के एजुकेशन में, जो सम ब्रिटिशर्स इन देयर पर्सनल इंडिव्योर एंड फॉर पोलिटिकल गेन शोड सम इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। ठीक है, अपने पोलिटिकल गेन के लिए, कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ द बंगाल शोड कीन इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग ओरिएंट एजुकेशन। तो हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारे इंडिया की जो कुछ बुक्स थी वहाँ पे, इस समय जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे कुछ ट्रांसलेशंस भी हुए थे, तो उसने इंटरेस्ट दिखाया ओरिएंट एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, सर विलियम जॉन्स जो था देन जस्टिस ऑफ द कैलकटा हाई कोर्ट। ठीक है, विलियम जॉन्स जस्टिस था कैलकटा हाई कोर्ट का, जज था कैलकटा हाई कोर्ट का। उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकटा को एस्टेब्लिश किया 1784 में। कब? 1784 में। हियर दे स्टार्टेड रिसर्च ऑन ओरिएंटल एजुकेशन एंड कल्चर एंड ब्रिटिश सिविलाइजेशन। वर टॉट इंडियन लैंग्वेजेस, लॉज, कस्टम्स, रिलीजन्स, ज्योग्राफी। तो वहाँ पे क्या होता था, उसने रिसर्च स्टार्ट किया ओरिएंटल एजुकेशन में, है ना, और ओरिएंटल कल्चर में, हमारे कल्चर का, हमारे जो है एजुकेशन जो है, जो बुक्स थी, जो ग्रंथ थे, उनको जो है उसका, उस पर रिसर्च स्टार्ट किया। ठीक है ना, ब्रिटिश सिविलियंस वर, जो ब्रिटिश सिविलियंस थे, जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के लोग थे, वो जो है डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस को, लॉज को, हमारे कस्टम्स कैसे हैं, हमारे धर्म कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है, उसको पढ़ना समझना स्टार्ट किया। अब देखिए विल्किंस जॉन्स थे, ठीक है, कोलबर्ग एंड विलियम क्रे, ठीक है, ये जो लोग थे, ये जो है ओरिएंटल एजुकेशन में उनका जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो इंटरेस्ट भी था उनका। और 1791 में जो जो है जोनाथन डंकन इस्टेब्लिश द संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी। ठीक है, तो 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में क्या किया था, एक संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, तो ये था हमारा हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय इन वाराणसी। पहली जो संस्कृत महाविद्यालय जो है वाराणसी में जोनाथन डंकन ने इस्टेब्लिश किया था। किसने? जोनाथन डंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। किसको जो है ऑफर किया गया था मेंबरशिप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, किसको? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की, पेरिस में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी था उसको मेंबरशिप जो है किसको जो है ऑफर किया गया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त को किया गया था। ये माइकल मधुसूदन दत्त को जो है एक मेंबरशिप ऑफर किया गया था, किसकी? पेरिस में जो एशियाटिक सोसाइटी थी वहाँ का मेंबर बनने का। दादा भाई नौरोजी वॉज द लिबरल पार्टी। अब ऑप्शन में हमारे दादा भाई नौरोजी भी हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लिबरल पार्टी मेंबर थे, पार्लियामेंट एम पी थे वो, कहाँ पे? यूके में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स से वो जो है एम पी थे यूके में। कब कब? 1892 से 1895 तक। ठीक है, फर्स्ट एशियन टू बी द ब्रिटिश एम पी, पहला एशियन मेंबर थे वो, पर्सन थे वो जो ब्रिटिश एम पी बने थे। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, तो वो जो उन्होंने ब्रह्मो समाज को जो है, ब्रह्मो समाज मूवमेंट चलाया था 1828 में। ठीक है ना, ब्रह्मो समाज एंड इन्फ्लुएंशियल बंगाली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था ये। ठीक है, एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। स्वामी विवेकानंद अगर देखें तो इन्होंने यूएस में ट्रेवल किया था और अपने एक धर्म रिलीजन पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की गई थी वहाँ पे, और उसका कॉन्फ्रेंस था एक्चुअली। तो उन्होंने 1893 में, डेट पूछता है कि स्वामी विवेकानंद
कब जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में पार्टिसिपेट किया था, तो 1893 में. कब किया था? 1893 में. एंड फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897. ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन भी उन्होंने 1897 में एस्टेब्लिश किया था. हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन टू इंग्लिश. तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवद गीता को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया था? वो था चार्ल्स विल्किंस. क्या, कौन था? चार्ल्स विल्किंस. ठीक है, तो चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवद गीता को इंग्लिश में. ठीक है ना, और ये जो है रिटन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स देन द गवर्नर जनरल. और जब ये चीज़ हुई थी तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इंडिया में गवर्नर जनरल थे. उनका बहुत इंटरेस्ट था ओरिएंटल एजुकेशन को स्प्रेड करने में. ठीक है ना, तो ये थी. और आगे हम देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास. ठीक है, कालिदास की जो फेमस बुक थी शाकुंतला. ठीक है, तो शाकुंतला जो है, शाकुंतला इसको किसने जो है पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो ये भी जो है विलियम जोन्स थे. ठीक है, गीता को किसने किया था? जो है आपका विल्किंस ने किया था. और ये विलियम जोन्स ने जो है आपका जो कालिदास की शाकुंतला था उनको जो है ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. पहली जो है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मॉडर्न एजुकेशन को क्यों स्प्रेड करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया में? क्योंकि उनको एजुकेटेड इंडियंस की नीड थी. जो छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे उस पर काम करने के लिए कुछ उनको लोग चाहिए थे. तो वो चाहते थे कि अपने जो है ये रहें तो हिंदुस्तानी उनका स्किन नहीं बदलेगा, उनका ब्लड नहीं बदलेगा, लेकिन उनको इस तरीके से शिक्षित कर दिया जाए जो हमारे लिए काम आ सके, हमारी ही बोली बोल पाए वो. तो यही रीज़न था, इसीलिए जो है ये लोग किया था, इन लोगों ने एजुकेट करने की बात की थी. ठीक है ना, तो वॉज टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. पहली बात तो अगर ये लोग मिल जाएंगे तो सस्ते में काम कर देंगे, है ना. इन लोग को कहाँ ही पे करते थे ज़्यादा, वो तो रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च है वो रिड्यूस हो जाएगा. गवर्नमेंट वॉन्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो किए थे. देयर वॉज एन अर्जेंट नीड ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक है, तो बहुत ही उनको ज़्यादा नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी ऐसे लोगों की, इंडियन जो लोग जो एजुकेटेड हों. देखिए, इसमें कोई ऐसे बड़ी पोस्ट पे नहीं ले रहे थे, वो जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे वो काम उनसे निकल. बाद में उनको बाबूज भी बोलने लगे थे लोग, है ना, टीज करते थे बाबू बोल के. विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए खर्च किया गया था, ये 1813 में हुआ था. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल्कुल तहलका मच गया था कि 1 लाख रुपए क्यों खर्च किया गया. ठीक है ना, तो 1813 के जो है जो चार्टर एक्ट है उसके तहत जो है 1 लाख रुपए खर्च किया गया था इंडिया में एजुकेशन के ऊपर. ठीक है, तो 1813 जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट 1813 था, वहाँ पर जो है आपका हाँ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विच रिन्यूड द चार्टर इशूड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड. इसमें यही है कि जो कंपनी की कॉमर्शियल मोनोपोली थी वॉज एंडेड. देखिए, 1813 में जो कंपनी की कॉमर्शियल मोनोपोली थी, मतलब ट्रेड वगैरह था, सब कुछ खत्म हो गया. सिर्फ दो चीज़ें बची थी, चाय और चाइना. ठीक है, टी और जो है चाइना के ट्रेड वही बचा था, बाकी और हर तरीके के ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया था. अब 1 लाख रुपए इसी टाइम जो है प्रमोट किया गया था, दिया गया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियंस में. ठीक है, पहली बार ये चीज़ हुआ था. चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए, एजुकेशन से. ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है. ठीक है ना, चलिए. एजुकेशन बोथ जनरल एंड टेक्निकल टू इंडियंस. अच्छा, इसमें जो है हमें इधर जाना था ये. हाँ, अब देखिए क्या होता है कि 1853 में रिन्यूअल ऑफ द चार्टर एक्ट, इट वॉज रियलाइज दैट द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन वॉज नेसेसरी फॉर इंडिया. ठीक है ना, 1853 में जो है ये चार्टर एक्ट में ये महसूस हुआ कि एक पैटर्न होना चाहिए एजुकेशन का जो इंडियंस के लिए ज़रूरी है. तो चार्ल्स वुड जो है डिस्पैच आया, वुड्स डिस्पैच बोलते हैं इसको, और इशू किया गया सर चार्ल्स वुड के द्वारा एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन. वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे. उन्होंने एक जो है आपका एक पैटर्न बनाना चाहा एजुकेशन का इंडिया में. द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ द डिस्पैच? टू इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज. है ना, डिस्पैच का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो डिस्पैच का कि वेस्टर्न नॉलेज को इंडियन लोगों को सिखा दिया जाए और एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल करेक्टर डेवलप किया जाए उनके अंदर. ठीक है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया? उन्होंने उनका रिकमेंडेशन था कि एन एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस. है ना,
हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा था यूनिवर्सिटीज ऑन द मॉडल ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी, जो लंदन में जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज थी उसके मॉडल पे यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी जो है बनाई जाए, ठीक है, बॉम्बे में, कैलकटा में और मद्रास में, ठीक है, बिग सिटीज में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास में। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना जरूरी था इनके ही वुड्स के डिस्पैच के अकॉर्डिंग। एफिलिएट प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन अ ग्रांट, ठीक है, जो एफिलिएटेड जो होंगी प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल से एफिलिएटेड होंगी उनको जो है ग्रांट दिया जाना चाहिए। इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो, ठीक है, जो नेटिव्स होंगे उनको ट्रेनिंग उनके मदर टंग में दी जानी चाहिए। द प्रोविजन वॉज मेड फॉर अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फॉर प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल, तो एक प्रॉपर जो है सिस्टम के तहत जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए वो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होगी यूनिवर्सिटी लेवल तक एक सिस्टमैटिक जो है डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में। द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द एजुकेशन फॉर वुमेन, तो जो यहाँ की विमेंस है उनके लिए भी जो है एजुकेशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वुड्स डिस्पैच की कुछ बातें थी जो उन्होंने रिकमेंड की थी, ठीक है। अब देखिए हंटर कमीशन आता है, ठीक है, हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल इम्फोसिस वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, तो मेन जो स्पेशल फोकस था वो प्राइमरी एजुकेशन पे था हंटर कमीशन का, ठीक है। हंटर कमीशन वॉज फाउंडेड अंडर द डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के अंडर जो हंटर कमीशन फाउंड हुआ 1882 में, कब 1882 में, ठीक है, रिव्यू करने के लिए एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया में क्या एजुकेशनल डेवलपमेंट चल रहा है। 1854 का जो अभी जो चार्टर आया था जिसमें 1,00,000 रुपये दिया गया था, तो क्या जो है सिस्टम इंडिया में 1,00,000 रुपये इसके पहले दिया गया था 1813 में, ठीक है, तो 1854 में उसके बाद जो सिचुएशन थी इंडिया में एजुकेशन की उसको जो है समझने के लिए हंटर कमीशन आया था। इनका भी कुछ रिकमेंडेशन था, ठीक है ना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो पहला ये क्या था, हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है ऑर्गेनाइज किया था हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन ने। द कमीशन रिकमेंडेड फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग इन द सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एंड ब्रॉट आउट इन एडिक्वेट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द फीमेल एजुकेशन, ठीक है, फीमेल एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं उनको जो है अवेलेबल कराना, ये जो है फोकस किया। रिकमेंडेशन वर पार्शियली इंप्लीमेंटेड, जो है थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट हुई कुछ बातें इनकी। व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो 15 अगस्त 1906, ठीक है, 15 अगस्त 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन सिटीजन्स ऑफ द रंगपुर हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द 7 नवंबर 1905, 8 नवंबर को रंगपुर में नेशनल स्कूल वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग इंडिजिनस एजुकेशन बोथ जनरल एंड टेक्निकल टू इंडियंस, ठीक है, तो इंडिजिनस एजुकेशन होना चाहिए जो है पूरी तरीके से इंडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया हो, ठीक है ना। द बर्थ ऑफ द नेशनल स्कूल स्पार्क्ड ऑफ द मूवमेंट कल्मिनेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो उससे जो है धीरे धीरे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। इन ऑर्डर टू डायरेक्टिंग, देखिए होता क्या है कि जो हाई स्कूल के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं एंड इट्स देखिए हेड मास्टर एक्टेड एज अ मेजर कैटलिस्ट इन मीटिंग हेल्ड इन 9 नवंबर 1905 एट द फील्ड ऑफ द एकेडमिक क्लब। देखिए सुभाष चंद्र बासु, ठीक है ना, उन्होंने 1,00,000 रुपए फॉर द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल, ठीक है, उन्होंने 1,00,000 रुपए जो है नेशनल यूनिवर्सिटी जो है बनाने के लिए बंगाल में ऑफर किया, ठीक है ना, किसने, सुबोध चंद्र बासु, ठीक है। वन कॉल ऑफ द आशुतोष चौधरी टू बाइकॉट कैलकाता यूनिवर्सिटी इमिनेंट मैन ऑफ द कंट्री वर आस्क्ड टू रैली ऑन 16 नवंबर एट द बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी एसोसिएशन फॉर अ कॉन्फ्रेंस टू फाउंड अ नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशन इन डीलिंग विद द लिटरेसी साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड्स एट ऑल इंडियन लेवल, ठीक है, अंडर द नेशनल कंट्रोल, ठीक है, नेशनल कंट्रोल में ये जो है सारी चीज़ें जो एजुकेशन है वो हर तरीके की, चाहे वो लिटरेरी हो चाहे वो साइंटिफिक हो टेक्निकल हो, इस तरीके की एजुकेशन जो है दी जाए और वो नेशनल कंट्रोल में हो, ठीक है, अंडर नेशनल कंट्रोल।
फिर NCE फाउंडेड इन बंगाल नेशनल कॉलेज एंड बंगाल नेशनल स्कूल ऑन 15 अगस्त 1906। तो ये जो है कुछ लोगों का जो है इंडियन लोगों का एफर्ट था कि ये जो है एक नेशनल कॉलेज खोलने का एफर्ट किया गया था। सेडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू, सेडलर कमीशन किससे रिलेटेड, इससे संबंधित है, तो देखिए एजुकेशन से सेडलर कमीशन संबंधित है, ठीक है ना। सेडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू द एजुकेशन। 1917 में जो है ये जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन किसके लिए, टू स्टडी द रिपोर्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैलकटा यूनिवर्सिटी में क्या समस्या है उसको समझने के लिए सेडलर कमीशन आती है। डॉक्टर एम ई सेडलर ये वाइस चांसलर होते हैं कहाँ के, लीड्स यूनिवर्सिटी के, जो है आपका इंग्लैंड में जो लीड्स यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहाँ के वाइस चांसलर होते हैं और उनको अपॉइंट कर देते हैं कि चेयरमैन, है ना, ये जो है सेडलर कमीशन के कमिटी के चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन इंक्लूडेड टू इंडियन मेंबर्स, दो इंडियन मेंबर्स होते हैं। अभी इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेडलर कमेटी थी उसमें दो इंडियन मेंबर्स कौन थे, तो फर्स्ट आपके थे सर आशुतोष मुखर्जी, कौन थे सर आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, तो पहले कौन थे, आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। सेडलर कमीशन हेल्ड अ व्यू दैट द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज नेसेसरी कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, बेटर बनाने के लिए पहले तो ये ज़रूरी है कि जो सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है उसको जो है इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। Although the commission reported on the condition of the Calcutta University, ठीक है, Calcutta University के जो इस पर जो है इन्होंने recommend किया, ठीक है ना, उसके conditions पर कुछ recommendation किया और कुछ remarks भी किया, were no less applicable to other Indian universities also. ठीक है, सॉरी, ये है रिमार्क, वर मोर और लेस एप्लीकेबल टू द अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, थोड़ा बहुत जो है इनको अप्लाई किया गया, इनके रिकमेंडेशन को और भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर अप्लाई किया गया। ठीक है, When did the British government appoint Sadler Committee Commission for reforms in education? पहली बार जो है ये जो Sadler जो कमेटी थी, कमीशन था एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए, ये कब जो है इस्टेब्लिश की गई थी, ये 1917 में। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 1917 में। ठीक है, क्यों, कि कैलकटा यूनिवर्सिटी में क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले वॉज रिलेटेड टू, तो मैकॉले जो है वो जो है इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित था। ठीक है ना, विलियम बेंटक के टाइम पे हम लोगों ने कवर भी किया हुआ है, विलियम बेंटक ने अपॉइंट किया था एक कमेटी, उसको लॉर्ड मैकॉले जो है हेड कर रहा था और उसने रिकमेंडेशन उसके क्या थी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, क्या था रिकमेंडेशन, मैकॉले जो है एम्फोसाइज करता है प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, इंडिया में भी यूरोपियन लिटरेचर और साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, ये सारी चीज़ें उसने रिकमेंड किया कि लिटरेचर अगर पढ़िए तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई होगी। रिकमेंडेशन वॉज होल हार्टेडली एक्सेप्टेड बाई विलियम बेंटिक ने ये सारी जो है चीज़ें बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन 1835 मेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन था 1835 का, इसमें जो है इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट कर लिया गया एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिटरेरी और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, तो ये एजुकेशन से, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि जैसे छन्नी होती है, जब कोई चीज़ उसमें पानी डालते हैं तो कुछ चीज़ें जो ज़्यादा जो है मोटी होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं और जो पतली होती हैं वो रिस के नीचे जाती हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी जब हम ऊपर के, इनका कहना था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी थी कि जो चीज़ अगर ऊपर वालों को एजुकेशन दे दिया जाएगा तो वो नीचे वाले से रिस के अपने आप चली जाएगी, लेकिन ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इनका, कैसे जाएगी ये पता नहीं। देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वॉज रिलेटेड टू द एजुकेशन अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग द इंडिया कॉलोनियल पीरियड। फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन मीन कमिंग डाउन ऑफ एजुकेशन और नॉलेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, फ्रॉम हायर क्लास पीपल टू द लोअर क्लास और फ्रॉम जनरल और द जनरल पीपल। ठीक है, मैकॉले जो है, मैकॉले ने एक्सप्लेन किया था पॉइंट ऑफ व्यू कि बाई स्टेटिंग दैट द पर्पज ऑफ द कंपनी वॉज ओनली टू एजुकेट एंड इलीट ग्रुप विच वुड एजुकेट द जनरल पब्लिक लेटर दस फुलफिलिंग द गोल ऑफ एजुकेशन एंड मास इन जनरल। ठीक है, मासेस इन जनरल, तो मतलब क्या है कि पहले अभी जो मेन एम हमारा है कि हमको एजुकेटेड पीपल चाहिए अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो हम तैयार कर लेते हैं, बाद में जो इनका होगा ये जो है धीरे धीरे नीचे पहुंच ही जाएगा, और नहीं भी पहुंच रहा है तो उनसे क्या मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट हमारा है, प्रोफाउंडर ऑफ द फिल्ट्रेशन थियरी कौन थे, मैकॉले थे। कौन थे, फिल्ट्रेशन थियरी किसने दी थी, मैकॉले ने दिया था। ठीक है,
द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ये कौन था, मैकॉले मिनट्स जो है 1835 का, 1835 का मैकॉले मिनट्स जो है वो जो है क्या है, मैकॉले मिनट जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, कौन, मैकॉले मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है देखिए, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाई मैकॉलेज मिनट्स 1835, मैकॉले मिनट याद रखिएगा 1835 का, इसने जो है मॉडर्न एजुकेशन की बात की इंडिया में, ठीक है। अब क्या था इनका, हाँ ही, अब देखिए इन्होंने जो है क्या किया, संस्कृत एंड अरेबिक बाई सेइंग दैट सिंगल सेल्फ, ठीक है ना, इन्होंने जो है डिग्रेड करने की कोशिश की संस्कृत और अरेबिक को, उन्होंने कहा कि सिंगल जो है सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लिटरेरी वॉज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया। उन्होंने कहा कि एक सिर्फ सेल्फ, अगर एक छोटी सी एक रैक ही हम उठा लें यूरोपियन लिटरेचर की, तो वो जो है पूरा जो यूरोपियन, जो पूरा इंडियन और अरेबियन जितनी भी बुक हैं लिटरेचर की, उनसे कहीं ज़्यादा जो है अच्छी है वो, ठीक है, इन्होंने ये कहा। और ये याद रखिएगा, ये मैकॉले ने कहा था, ये स्टेटमेंट में कहीं भी पूछ सकता है, वैसे भी याद रखना चाहिए कि इन्होंने इस तरीके से बात की थी। मैकॉले द सजेस्टेड मेकिंग इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंग्लिश जो है हायर एजुकेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया में, है ना, ये जो है सजेस्ट किया गया इनके द्वारा। और जो है बेंटक एक्सेप्टेड दिस सजेशन, उन्होंने बेंटक ने एक्सेप्ट भी कर लिया। 1835 में रेजोल्यूशन पास होता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हिज लॉर्डशिप ऑफ द ओपिनियन दैट द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑट टू बी प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंगस्ट नेटिव ऑफ इंडियंस, दैट ऑल द फंड्स अप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन द एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन। मतलब क्या है कि ये जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि स्टेट जो है जो रिकमेंडेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग कि इंग्लिश एजुकेशन को जो है इंडिया में यूरोपियन लिटरेचर को और साइंस को जो है इंडियन के, इंडिया के लोग जो है उनको जो है बढ़ावा देना चाहिए और जो मीडियम होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए, ये चीज़ बता दिया गया। बेंटक्स रेजोल्यूशन ओपन द न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इट वॉज फ्रॉम दैट टाइम द वेस्टर्न एजुकेशन बिगेन टू स्प्रेड इन इंडिया रैपिडली। और तब से अभी तक अगर आप देखिए तो इंग्लिश जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इंडिया में हो चुका है, हालांकि हमारी मदर टंग हिंदी ही है, लेकिन एक जो है इम्पॉर्टेंस जो इसका है जॉब में और इधर उधर, ठीक है ना, लेकिन हमें संस्कृत को छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो स्प्रेड हो गया, वो अंग्रेज देख के चले गए और उसी को आप अभी भी हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है दो इन हुज किसके समय पे ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है टाइम पे जो है इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे वर इस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो 1857 में, ठीक है, 1857 में कैलकटा, बॉम्बे और जो है मद्रास की यूनिवर्सिटीज इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, इसको जो है हाँ देखिए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम which was laid down by the dispatch of the Charles Wood 1854. तो इसको कहते हैं चार्ल्स वुड का, डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड 1854 को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे तीन यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, चार्ल्स वुड ने कहा कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे में एक मॉडर्न जो है यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जैसे कि लंदन में लीड यूनिवर्सिटी है वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, और 1857 में कैलकटा में यूनिवर्सिटी पहली खोली गई, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज रिजल्ट ऑफ एफर्ट, किसके एफर्ट से, पहली यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में और जो है जो फीमेल्स थी, जो वुमेन्स थी उनके लिए खोली गई थी, वो DK Carvey, ठीक है, DK Carvey के अथक प्रयास से जो है खोली गई थी। प्रोफेसर DK Carvey वॉज द इंडियन सोशल रिफॉर्मर, वो एक रिफॉर्मर थे, वो सपोर्टर्स थे विडो मैरिज के, कौन, DK Carvey, और वुमेन एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही पॉनियर थे, ठीक है, पाइनियर थे, बहुत ही अग्रणी थे इंडियन के, इंडिया जो विमेंस एजुकेशन के फील्ड में, उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी खोला था, क्या खोला था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। 1899 में उन्होंने विडो होम भी खोला पुणे में, ये सब इंपॉर्टेंट है, 1899 में विडो होम पुणे में खोला विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग हाई कास्ट विडोज इन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स एंड मेकिंग देम सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है ना, हाई कास्ट जो वीमेन है उनको जो है जॉब प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना, उनको जो है वो ऐसा उनको इस्टेब्लिश करना कि अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। ही सेट अप एन इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में जो है इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की 1900
1916 में ही अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट ऑनर, इनको जो है ही वॉज अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट ऑनर, कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न इनको 1958 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया, किससे, भारत रत्न से, डी के कार्वे की हम बात कर रहे हैं, डी के कार्वे की बात, ठीक है, डी के कार्वे, हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, कौन एसोसिएटेड है डेक्कन इंडियन सोसाइटी से, तो देखिए डेक्कन इंडियन सोसाइटी से जो है बीजी तिलक, ठीक है, डेक्कन इंडियन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं वो जो है एसोसिएटेड, फॉर्मेशन ऑफ बी के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो इन्होंने बीजी तिलक ने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश इन 1880, कब, 1880 में, इट वॉज फॉर्म्ड बाई द लोकमान बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड गोपाल गणेश अगरकर, किसने, गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880 में इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे है इन्होंने भी किसने और हेल्प किया था, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और वामन शिवराम आप्टे, ठीक है, एंड महादेव बल्लाल, ठीक है, महादेव बल्लाल, वामन शिवदेव आप्टे, गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, डेक्कन सोसाइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट, हिंदू कैलकटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मेयो है और मायो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल, तो सबसे पहले जो बनाया गया वो हिंदू जो है आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ठीक है। राजा राम मोहन राय वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशियल प्रमोटर्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, वो जो है बहुत बड़े प्रमोटर थे, युग प्रवर्तक थे वो, उनको कहा जाता है, वो फेमस हिंदू कॉलेज जो है उन डेविड हेयर के कोऑपरेशन से और अलेक्जेंडर डफ ने 1817 में बनाया था, ठीक है, किसको, हिंदू कॉलेज को, हिंदू कॉलेज को डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ और राम मोहन राय सभी लोग ने मिलकर 1817 में इस्टेब्लिश किया था। लॉर्ड मेयो कॉलेज जो है इस्टेब्लिश बाई इन अजमेर, कहाँ पर, अजमेर में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड मेयो। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में इस्टेब्लिश है, ये जो है 1875 में, कहाँ पे, 1875 में है। दिल्ली कॉलेज जो है वो जो है 1824 में, ठीक है, 1800 जो है कितना, 24 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन कोलेबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डेफ, हु ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज ऑफ एट कलकत्ता, तो आपको पता है ये राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था, तो हमारा उत्तर होगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरेसली एडवोकेटेड फॉर द रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसने जो है फोकस किया था, तो ये है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, किसने, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने जो है इस्टेब्लिश किया था, जस्ट अ सेकेंड, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेटेड, तो ये मदन मोहन मालवीय ने जो है एडवोकेट किया था कि जो आपका रिलीजियस एजुकेशन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी रिलीजियस एजुकेशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है, मदन मोहन मालवीय 1861 to 1946 वॉज एन इंडियन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, इंडियन एजुकेशनिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन थे, नोटेबल पॉलिटिशियन थे फॉर हिज रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, वो विगरेसली एडवोकेट कर रहे थे रिलीजियस एजुकेशन के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। यहाँ पे है, ही फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी, BHU फाउंड किया था 1916 में, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, एंड वॉज वाइस चांसलर, वहाँ के VC थे ये, वाइस चांसलर थे 1919 से लेके 1938 तक। उन्होंने पब्लिश किया था हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान किसकी है, मदन मोहन मालवीय जी की है, इंडियन ओपिनियन मदन मोहन मालवीय जी के हैं, और अभ्युदय, ठीक है, ये भी मदन मोहन मालवीय जी के हैं, और आपका किसान, मर्यादा, किसान, हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन एंड अभ्युदय, ये जो है किसकी है, मदन मोहन मालवीय की जो है, उन्होंने पब्लिश किया था, कौन कौन सी, हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा और किसान, ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। हु वॉज द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसने जो है स्टोन रखी थी, तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था, किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था, लॉर्ड हार्डिंग द वाइस रॉय लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑन 4 February 1916 ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो BHU थी जिसको पहली बार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, ठीक है, ये जो है BHU थी जो हमारी मदन जो है मोहन मालवीय ने 1916 में जो है पहली यूनिवर्सिटी थी जो है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है, और अब हम नेक्स्ट में कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, क्या चीज़, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।